नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी के गोलापार स्थित बागजाला में वन विभाग की भूमि पर बने अतिक्रमण पर आज बड़ी कार्रवाई की गई और वन विभाग प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, जिसमें आज 8 अवैध निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। ये मकान वन भूमि पर बने हुए थे, जिन्हें वहीं के रहने वाले कुछ भूमाफियाओं ने स्टैंप पर बेचा था। इसी के साथ ही आपको बता दें, विभाग द्वारा पूर्व में इन सभी को नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा, एसपी क्राइम हरबंस सिंह, सीओ नितिन लोहनी, तहसीलदार सचिन कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने बताया कि वन भूमि में अवैध मकान बने हुए थे, जिसको खाली कराने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा गया था। ऐसे में आज पुलिस वन विभाग के साथ साथ संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। वहीं वन विभाग के एसडीओ ने कहा कि वन भूमि पर किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं एसपी क्राइम हरबंस सिंह ने बताया कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल प्रशासन वन भूमि को अवैध तरीके से बेचे जाने वाले भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है और उनको चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।